हेल्थ केयर के ऊपर वापस आपने काफ़ी बात करी, बहुत बड़ा मुद्दा है फॉर द मिडिल क्लास और आपने बहुत कुछ किया है। आर यू सेटिस्फाइड विद वेयर वी हैव रीच्ड? ऐसा है, जिस दिन मोदी सेटिस्फाई हो जाए ना, तब लिख लेना कि आपको उसको श्रद्धांजलि देनी है, वो जिंदा नहीं है। मैं जीवन के आखिरी तक असंतोष को पालता रहता हूँ, मेरे भीतर में कभी संतोष आने नहीं देता हूं। क्यों? मैं वो असंतोष पालता हूं ताकि मुझे नया करने की प्रेरणा मिले। तो मुझे कभी संतोष की बात कहना ही मत, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। देखिए, जहां तक हेल्थ का सवाल है, गरीब परिवारों तक क्वालिटी हेल्थ केयर की पहुंच, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना, हम 60 करोड़ से अधिक लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में। और मान लीजिए केरल का व्यक्ति अहमदाबाद गया, वहाँ बीमार हो गया, तो सिर्फ उसको मोदी का कार्ड दिखाना है, उसको वहाँ ट्रीटमेंट मिल जाएगी। उसके रिश्तेदार आए, पैसे लेकर के आए, फिर ट्रीटमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। और आउट ऑफ पॉकेट पहले हमारे यहाँ बहुत खर्च होता था सामान्य नागरिक का। 2014-15 में एवरेज 62% खर्च आउट ऑफ पॉकेट, हर एक को अपने जेब से हेल्थ के लिए खर्च करना पड़ता था 62%। आज वो कम होते होते 47% हो गया है। मतलब ये व्यवस्थाएं विकसित हुई, सुविधा हुई है। 2014-15 में हेल्थ सेक्टर पर कैपिटल भारत सरकार का जो बजट खर्च होता था वो 1100 रुपीज होता था। आज हेल्थ सेक्टर का पर कैपिटल खर्च करीब करीब 2 गुना हमने कर दिया है। आयुष्मान भारत से लाभार्थियों के 225,000 करोड़ रुपए बचे हैं देश के नागरिकों के, क्योंकि सरकार ने खर्चा किया। इससे ज़्यादा कभी कभी परिवार में बुजुर्ग लोग हैं ना, बताते नहीं कि मैं बीमार हूँ। क्यों? उनको लगता है बेटे पर बोझ हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा। अब वो निश्चिंत होकर के ट्रीटमेंट करा रहा है और 225,000 करोड़ रुपया बचा है। 11,000 से ज़्यादा जनऔषधि केंद्र, मैंने कहा 80% डिस्काउंट से दवाई देते हैं, और वो जनऔषधि केंद्र में 25,000 तक ले जाने वाला हूँ। 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए मैंने इस बार घोषणा पत्र में कहा, किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड का हो, कोई भी सामाजिक, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर हैं, उसको अब आयुष्मान कार्ड मिलेगा, उसकी हेल्थ की पूरी जिम्मेवारी, इलाज की जिम्मेवारी भारत सरकार लेगी। इसका मतलब हुआ उसको तो लाभ हुआ ही, लेकिन उसके परिवार को बहुत बड़ा लाभ होता है कि चलो पिताजी, दादाजी, माँ, माता जो खर्चा होता था वो बच्चों के लिए खर्च करूँगा, ये बहुत बड़ा बोझ मैंने कम कर दिया है। 10 वर्षों में, अब ह्यूमन रिसोर्स का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त बढ़ोतरी। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे हमारे देश में, आज बढ़कर के 706 हो गई है इतने कम समय में। 2014 में MBBS सीटों की संख्या करीब करीब 51,000 थी, अब वो 1,00,000 से ज़्यादा हो गई है। मतलब ज़्यादा डॉक्टर मिलेंगे, ज़्यादा सेवा होगी, और डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी तो गाँव को तक ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी। PG सीटों की संख्या बढ़कर 2 गुनी से ज़्यादा हो गई है, ताकि मुझे आगे चल करके अच्छे मेडिकल कॉलेज के लिए प्रोफेसर भी मिलेंगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो, पॉलिसी की बात हो, बजट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर को हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे बढ़ाया है जी।